हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और चलिए, मंडे का जो मॉर्निंग का शो था वो मुझे कैसा लगा ये बताने के लिए, रिव्यू देने के लिए आ गई हूं और आपसे भी जानना चाहूंगी। फ्रेंड्स, इस बार जो शो हुआ मंडे मॉर्निंग जो देखना मिल रहा था, सर्टनली कुछ अलग फ्लेवर था, कुछ अलग नई नई चीजें ऐड की थी जो शो को एक नया लुक दे रही थी, विच वॉज आई वुड अप्रिशिएट दैट। तो चलिए कुछ पहले बात कर लेते हैं किसने किस तरीके के गाने गाए हैं। साइली ने बाहों में चले आओ, फिर ये शाम, मस्तानी, छूके मेरे मन को, पिया तू, हरे राम हरे कृष्णा, एंड लोगों का ध्यान रखते हुए खतूबा की भी कुछ एक लाइन सुनाई। साइली, खतूबा थोड़ा सा और सुनाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला गर्ल तुम्हारी आवाज में। सो एक दो लाइन से ठीक नहीं है। उसके बाद अनुरता, अगर तुम साथ हो लग जा गले, ये दिल तुम बिन, और तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, जन्म जन्म घूमर। एंड उसके बाद पब्लिक डिमांड पर उन्होंने केसरिया बालमा, पधारो हमारे देसी वाला गाना गाया। सर्टनली उनका जो बाबुल सॉन्ग आया है उसमें बहुत ज्यादा एक राजस्थानी फोक का टच है। तो ऐसे में जब केसरिया बालमा पधारो हमारे देश वो गा रही थी तो अचानक से बाबुल की भी याद आती है और फिर ऐसा लगता है कि इतना सही क्यों गाया, पूरा क्यों नहीं गाया। तो अरुणिता, और सुनाओ नई वाला गाना, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा तुम्हारी आवाज में, इतनी सी तो रिक्वेस्ट है, मान लो यार। उसके बाद पवन, पवन के गाने बड़े खूबसूरत थे, शायद जो तुम ना हो, उसके बाद एक सानो एक पल चैन ना आवे। और एक बात कहनी पड़ेगी, इन दिनों मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि पवन थोड़ा सा हाई पिच पर गा रहे हैं, एंड हाई पिच पर गाने के बावजूद भी उनके सुर नहीं भटक रहे हैं। सो कुछ नया है ये, कुछ अलग है जो पवन चाह रहे हैं लोगों तक पहुंचाना, और वो चीज पहुंच रही है। एंड पवन बहुत अच्छा चल रहा है, इवन हाई पिच हो या नॉर्मल पिच पे जिस पे तुम गाते हो, वो पिच भी हो, बहुत सुंदर गा रहे हो, कहीं कोई मतलब कहीं कोई सुर नहीं भटक रहा है। आयत और धागे तोड़ लाओ, और एक और गाना कैलाश खेर का उन्होंने गाया, सैया। एंड सीरियसली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कैलाश खेर का ये वाला गाना कभी मुझे पवन की आवाज में सुनना मिलेगा, हालांकि इच्छा बड़ी रही है, पर मुझे लगता था कि पता नहीं, शायद नहीं गाते होंगे, नहीं उनको ये गाने का इतना शौक चढ़ता होगा या नहीं पसंद आता होगा, जो भी है। बट जब गाया तो दर्शकों की तरह मैं भी एकदम से चुपचाप से बैठ के सैया ये वाला गाना सुन रही थी। पवन बहुत सुंदर गाया था सैया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे लिए तो ये सरप्राइज पैकेज था। और उसके अलावा एक उन्होंने ना नेपाली गाना भी गाया, जितना समझ सकी उतना, हलचुली माँ धाम कुछ इस तरीके से गाना था, हो सकता है मेरे समझने में गलत रहा होगा, नेपाली भाषा है। सो एक वो गाना गा के अच्छा लग रहा था, कुछ कुछ नयापन था जिसे मैं बोलूंगी, कुछ अलग, जो मैं बहुत बार वर्ड यूज कर चुकी हूँ, लेकिन सच में कुछ अलग था आज का जो शो रहा है। और टोला नहीं आया, एंड फिर एंड में जब वो आए और तेरी मिट्टी गाया, सीरियसली ऐसा ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस गाने को सुन के। अब मैं बात करती हूँ एक अगेन कुछ नएपन की, और वो नयापन था इस बार पवन का और रोहित का एक साथ आना। रोहित अलग इंडियन आइडल में दिखाई दिए हैं, वहीं पर पवनदीप इंडियन आइडल 12 में दिखाई दिए, उसके विनर हैं। जब दोनों साथ में आए तो मैजिक क्रिएट हुआ, एंड वो जो हमदम सुनियोरे में दोनों ने इतना अपना स्टाइल डाला है और इतना सुंदर बुके बन के या गुलदस्ता बनकर आवाजों का निखरा है कि आई रियली वॉन्ट टू सिंग देम टुगेदर फॉर सम मोर सॉन्ग्स। एंड सेम विद साइली एंड अरुणिता, सिर्फ एक गाना नहीं और भी गाना गाइए, और चार पांच गाने गाइए, मजा आएगा। उसके बाद हालांकि सूरज जी ने बोल दिया था कि डुएट नहीं हो पाएंगे, समय नहीं है, लेकिन फिर भी एक डुएट होगा, हो गया, और पेट तो नहीं भरा, लेकिन क्या करे, कम से कम डुएट सुनना तो मिला। टाइम और ये घड़ी जो दुश्मन बनी बैठी थी सबकी, चलिए सूरज जी, आई रियली लाइक दैट। और हाँ, वन मोर थिंग, आज के जितने भी लाइव आपने देखे हैं उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू सूरज जी, क्योंकि वो हर जगह से बेस्ट व्यू देने की कोशिश में लगे हुए थे। कभी स्टेज के सामने आ रहे थे, कहीं स्टेज के मतलब बैक स्टेज पर जा रहे थे, कहीं साइड में आकर खड़े हो रहे थे, कहीं पवन के पास जाके दी बेस्ट व्यू देने की कोशिश कर रहे थे। तो थैंक्स टू सूरज जी ऑल्सो। उसके बाद दानिश आए, एंड छैया छैया, आफरीन, रश के कमर, और पवन के साथ उनकी जुगलबंदी, एंड फिर श्री गणेशा देवा, बहुत एनर्जी के साथ गाते हैं वो।
अब इस दौरान ना मुझे कुछ एक चीजें जो बहुत अच्छी लगी, एक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक तो दर्शक बहुत स्ट्रांग थे, हर चीज पे गा रहे हैं, हर चीज पर नाच रहे हैं, मतलब ऐसे दर्शक अगर आपको हर जगह मिल जाए तो मेरे हिसाब से कलाकार का दिन बन जाता होगा। उसके बाद मुझे रोहित और पवन की जो साथ में आकर गाना गाया ओ हमदम, वो बहुत अच्छा लगा। और तीन और कलाकार आए थे, जो एक कॉन्टेस्ट किया गया था कि जितने भी दर्शक होंगे अपना अपना वीडियो भेजिए, जो विनर होगा उसे अपने फेवरेट आइडल के साथ गाना गाने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में सुजॉय थे जिन्होंने दानिश के साथ डॉन का गाना गाया। उसके बाद आरती जो थी उन्होंने पवन के साथ बोलना हल्के हल्के ये वाला गाना गाया, हालांकि गाना बहुत डिफिकल्ट था। और द बेस्ट पार्ट वॉज पवन हल्के हल्के सॉन्ग का जो पिच है, दोनों के पिच में बहुत अंतर था एंड पवन उनके पिच पर आकर उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, उनको कॉम्प्लीमेंट करने की और साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे। सो एक अच्छे कलाकार का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जब वो किसी नए या अनजान कलाकार के साथ परफॉर्म कर रहा हो तो उस व्यक्ति के साथ में गाए ताकि परफॉर्मेंस कहीं रुके नहीं या परफॉर्मेंस कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। दोनों के पिच अलग है, विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग, जैसे बोलते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, वो बात आज पवन ने दिखाई है। और फिर फजल और साइली आए और उन्होंने जो गाया है वो जब कोई बात बिगड़ जाए या कभी कभी, ये गाने गाए और वो भी सुनने में अच्छे थे। फ्रेंड्स ओवरऑल देखा जाए तो मंडे मॉर्निंग का उठना सफल रहा और एक बहुत अच्छी सी मीठी सी याद देके, सेटिस्फाइंग सी याद देकर ये शो आपको टाटा बाय बाय बोलकर गया है। अब जो सीधे जो शो होने वाला है उसमें एक लंबा सारा गैप है, तो इस गैप में ये जितने भी गाने गाए हैं और जितने भी परफॉर्मेंसेस हुए हैं उसको बार बार देखिए ताकि आप मिस ना करें इन सारे ही कलाकारों को। ये मेरा सोचना है, आपको कैसा लगा ये शो लिख कर बताइए। जय हिंद।